पूरे मिडिल ईस्ट में हमले को लेकर जो जानकारियां सामने आ रही है उसमें अमेरिका ने हमला रोकने में मदद की, ये बात अमेरिका की तरफ से की गई है। बाइडेन हालात पर लगातार निगाह बनाए रहे हैं। ये दूसरी बात सामने आई ईरानी हमले पर अमेरिका का ये पहला स्टेटमेंट। लेकिन एक बात और जो लगातार हमारे व्यूअर्स के सामने आनी चाहिए और पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहा है जिस पर विनोद ऑगस्टीन जी बात रखें, सर अमेरिका लगातार ये कहता रहा है कि वो इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन अब जो घटनाक्रम जो सिनेरियो सामने आ रहा है उसमें हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका डायरेक्ट फाइट में कूदेगा। यानी सवाल ये है इस वक्त जो बरकरार है वो ये कि अमेरिका सिर्फ बयानबाजी करेगा या फिर इस युद्ध में डायरेक्ट उसकी हिस्सेदारी होगी। वो कहना बड़ा मुश्किल है, बट मेरा ये मानना है जब तक अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं होगा, वो डायरेक्ट रिटालिएट नहीं करेगा, और ईरान अमेरिका पे या अमेरिका के युद्धपोत के ऊपर या उनके बेसिस के ऊपर डायरेक्ट अटैक करने की जरूरत नहीं करेगा, भले वो बहरीन में हो या सऊदी में हो या कहीं भी हो। वो अपने मिसाइल्स को जब 500 मिसाइल अगर दागता है वो ऑन OTR कहते हैं फौज में, ओवर द टारगेट रिक्वायरमेंट। वो OTR कैसे कैलकुलेट करते हैं कि आप 500 मिसाइल, रिवर्स कैलकुलेशन होती है, आपको अगर 110 या 120 या 180 मिसाइल चाहिए आपके टारगेट के ऊपर, तो आप रिवर्स कैलकुलेट करते हैं कि उनको इंटरसेप्ट करने की क्षमता क्या है आयरन डोम या बाकी और एयर डिफेंस वेपन्स का, और रस्ते में अमेरिकन युद्धपोत या और किसी कंट्री के जो एंटी मिसाइल डिफेंस हैं या एयर डिफेंस हैं वो कितने इसको मार गिराने की क्षमता रखते हैं, उसके हिसाब से आप अब निर्णय लेते हैं कि अच्छा चलो 500 मुझे मारना होगा, पर टारगेट मुझे 6 से 7 मिसाइल मारने होंगे जिसमें से 4 या 5 या 6 इंटरसेप्ट हो जाएगा, लेकिन उस टारगेट में मुझे चाहिए सिर्फ एक। इसको कहते हैं ओवर द टारगेट रिक्वायरमेंट, OTR मिसाइल OTR जब कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इसराइल अभी पहली बार इस पूरे एक साल की लड़ाई में पहली बार